गुरबख्श सिंह प्रीतड़ी का नाम कुछ पुराने बंदियां ने सुनिया होना है कि एक अमरीका तो पढ़ के आया अज तो बहुत चिर पहला विद्वान सी गुरबख्श सिंह उन्हें आके इतने प्रीतड़ी परचा शुरू किया। उस परचे च उन्हें लेख छापे गुरु गोबिंद सिंह बारे, वो लेखा मुड़ के उन्हें किताब बनाता। वह किताब का जो हैडिंग है वह परम मनुख। उस दी दलील यह है भी गुरु ना पैगंबर सी ना अवतार सी, एक मनुख सी पर परम मनुख सी, बहुत उत्तम मनुख सी मनुख। उस किताब दे विच उन्हें जो कहा मैं बिल्कुल ही थोड़े ना कुछ चार लाइना उहदे विच दसदा। उस किताब दे विच उन्हें लिखा गुरु नानक हिंदू सन, उन्हां दा मनोरथ हिंदुआं नालों वखरा धर्म चलाना नहीं सी, पंजाब दे सारे वर्गां नूं एक कौम विच संयुक्त करन दा टीचा सी। सिख हिंदू धर्म के विशाल ब्रिश की फड़ी फुली शाख हैं, गुरसिखी वखरा धर्म नहीं, यह हिंदुओं विचों ही मोहरे आए वलंटियरों का खालसा दल है, वलंटियरों का दल की वक्री वर्दी इनू कौम नालों वक्रिया नहीं करता। वर्दी वक्री जिवें असीं वलंटियरों की बना दें वर्दी वक्री है, पर है तो कौम का मोहला दस। गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह उन्हां दे चारे पुत्रां ते उन्हां दे अनेकां साथियां ने सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा लई जाना दित्तियां सन। गुरु गोबिंद साहिब विच एक विशेषता है जिहड़ी उन्हूं मनुखां दा मनुख दर्शाउंदी है। पैगंबर ने गुरु साहब का मिशन कोई वखरा मजहब चलाना नहीं सी, सगों खालसा सेवकां दी एक मुक्ति फौज जोड़ना सी जिहड़ी अपने हक छड के सिर्फ दूजां दे हक्कां दी रखवाली कर सकदी। मुक्ति फौज जो मुक्ति बाणी खड़ा कीती सी कि बंगलादेश दे विच नवा मजहब चला लैना ना उदों औखा सी ना हुण ही है। सधारण नालों बधेरे चतराई का मालक आदमी जदों चाहे नवा मजहब तोड़ सकता है। ये तुसी गल्लां थोड़ियां ध्यान नाल सुनो, इन्हां वल ध्यान दिओ। ये नहीं कि गुरबख्श सिंह की कहिंदा है, हुण मैं अगली गल दसूं कि जदों ये किताब छपी तां जिहड़े सिखां दे अंदर जज्बा सी, अनपढ़ सिख किते गुरद्वारा कमेटियां वाले किते होर जिवें इत्थे सेवक सभा बनी है इस तरह दीआं कुछ सभावां हेठां कम कर रहीआं सी, उहनां ने बहुत रौला पाया कि गुरु दा अपमान है, ये किताब सहन नहीं होनी चाहीदी। वापरिया की ये 1934 छपी किताब अज तो 80 साल तो वध थामा पहले, जदों हेठों ये विरोध हो रहा है जिहड़ियां पंथ दे सिरमौर विद्वान आ उस मौके दे वो सारे इहदे पक्ष विच आए, लेख लिखे उन्होंने। उन्हां विच प्रिंसीपल तेजा सिंह भी सी जिन्होंने गुरबाणी दे टीका तैयार किया, जिन्होंने इन्नी सेवा की है कौम की, इस गलों कोई रौला नहीं। बहुत बड़ी देन है प्रिंसीपल तेजा सिंह दी, पर इत्थे एक सवाल खड़ा हुंदा है कि आ गल्लां किवें हजम होईआं, इहदा भी साडे कोल कोई जवाब चाहीदा, क्यों कोई बेईमान नहीं सी, उहने बहुत काम कीते। बाबा हरकिशन सिंह, प्रिंसीपल नरेंजन सिंह, डॉक्टर जोत सिंह, किसी भी उस मौके दे वड्डे विद्वान दा नाम लो, उन्हां ने एक किताब दे पक्ष दे विच लिखिआ। श्रोमणी कमेटी ने इस किताब ते पाबंदी लाती सी ते गुरबख्श सिंह दे खिलाफ मता पास किया। कुछ सालों बाद इन्हां विद्वानों ने श्रोमणी कमेटी ते असर पा के वह मता वापस करवाया। 1964 च किताब पंजाब यूनीवर्सिटी की MA दे सिलेबस में शामिल हो गई। हुण तुसीं सोचो जदों सिलेबस च शामिल हो गई MA दे 1964 च, किन्ने किन्ने प्रोफेसरां ने किन्ने विद्यार्थियों पढ़ाई होगी, जिन्हां ने किताब पढ़ी वह किन्ने होर प्रोफेसर बने होणगे ते उन्होंने होर किन्ना प्रचार किया। जदों एक पासे दाती इस तरह फिरी जा रही है
ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੈਵੀ ਅਜਮਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੋਝ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਬਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸਭ ਰੱਬ ਸਭ ਰੱਬੀ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀ ਹੈ ਬੱਜਣ ਤਾਲ ਮਦਰੰਗ ਰਬਾਬਾ, ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੁਛ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।